दुख पहुंचता है लगातार। जब ये सुनता हूं कि मंत्री मधुबनी में होते हैं, दरभंगा में होते हैं, और एक लाइन भी ट्वीट तक नहीं कर पाते, सिंचाई मंत्री, इतना बड़ा नरसंहार, इतनी बड़ी घटना, व्यक्ति कोई हो, जाति से मतलब नहीं हो सकता, वो क्रिमिनल है, वो एक गैंग है जो शराब माफिया है, जो शराब की तस्करी करता है नेपालों से, कोई भी हो, हम इसको जाति के रूप में नहीं देख सकते। जो लोग आज इस तरह के वातावरण बना रहे हैं कि 6 लोगों की हत्या ही अपने आप में एक भयानक घटना को जन्म देती, एक बड़ा नरसंहार, एक परिवार जिसके मासूम बच्चे छोटे छोटे विलखते हुए भीतर बेवसी, उम्मीद समाप्त, लेकिन आक्रोश, यह सच है। जो घटना मधुबनी की बेनीपट्टी में घटित हुई है, जिस तरीके से गोली के बाद तलवार से काटे गए और लोग मूक दर्शक रहे, बिहार के लोग हमेशा मूक दर्शक रहते हैं। कब आपने देखा इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी? बिहार सरकार ने 3-3 कानून ले आया, क्या विद्रोह हुआ? दिल्ली में एक कानून बना था, याद कीजिए, और वो कानून, आश्चर्य होगा आपको, उस कानून के खिलाफ यहाँ पर 3 महीने तक 30,000 कोर्ट नहीं चली थी, लॉयर ने विरोध किया था, बिहार में किसी एक लॉयर ने विरोध तक नहीं किया। हमें मिलकर इस नरसंहार करने वालों के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। एक पूर्व मंत्री और विधायकों का संरक्षण प्राप्त है, वर्तमान में मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है, बजरंग दल और रावण दल हैं कौन, किससे जुड़ा हुआ है, फिर खामोश क्यों है ये सत्ता, खामोश क्यों है ये विपक्ष? क्या विपक्ष को वो वर्ग वोट नहीं देता है, इसीलिए आप कदम आगे नहीं बढ़ा पाते? विपक्ष के बारे में तो साफ है, वर्ग कोई हो, वो कभी घर से निकलता तक नहीं। मैं पूरे बिहार के आम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, प्लीज, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, 14 लोग मारे जा चुके हैं, अब जाकर के नींद खुली है बिहार सरकार की कि हाँ शराब से मर गए। जब मैंने ट्वीट किया था तब किसी को पता भी नहीं था। अरे विपक्ष महोदय, 7 यादव मर रहे उसी बहाने चले जाते, वहाँ कोई गए तक नहीं। हालात इतने बुरे हैं कि आप कल्पना नहीं कर जा सकते। इसी तरीके से कल रात कटिहार में जो घटना घटी, निर्मल बबुना की, कभी वो मेरे साथ समाजवादी पार्टी में युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करता था, 15 गोली मारी गई है, विपक्ष के राइट हैंड हुआ करते थे, न जाने कैसे रिश्ते थे बहुत, लेकिन उन्हें नींद नहीं खुली। राजनीतिक हत्या है, वो MLC का चुनाव लड़ना चाहता है, किस पर असर पड़ता? एक मजबूत पार्टी के राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये घटना घटित होती है, यह कोई निजी मामले नहीं है, यह कंप्लीट रूप से इस पर CBI इंक्वायरी की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब अविलंब इस पर CBI इंक्वायरी हो और 3 महीने के अंदर दोनों घटना में स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे मधुबनी की घटना हो, चाहे सलमारी कटिहार की घटना हो। जिस हद तक मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, हमारे पार्टी के नेता वहां पहुंच चुके हैं, जहां जहां जहरीले शराब से, चाहे वो बेगूसराय का मामला हो, चाहे वो सासाराम का मामला हो, चाहे वो नालंदा का मामला, हमारे लीडर वहां पहुंचे हैं, कल बेनीपट्टी भी जाएंगे। मैं बिहार पहुंचते ही 5 जगह जाने का प्रयास इस हालात में करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से बिहार सरकार इस दोनों घटना की जांच CBI से कराए, अविलंब इंक्वायरी सेटअप हो और शराब माफियाओं पर नकेल कसे जाए, शायद एक उम्मीद जगे।
जो घटना घटित हो रही है लगातार, इधर भी मैंने सुना कि पिपरा में 3 लोगों की हत्या कर दी गई और फेंक दिया गया, सुपौल के पिपरा, लगातार घटना, होली कम खेले गए, खून की होली ज्यादा खेली। तो सोचना आपको है, आज मैं दिल्ली में बीमार हूँ, ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर के कारण मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा हूँ, मैं अपनी परिस्थिति आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या अभी विपक्ष नहीं है, क्या पप्पू नहीं तो कोई नहीं, यह सवाल है और आपके बीच में यह रख रहा हूँ। सोचिएगा आप, लड़नी होगी इन खून की होलियों खिलो खेलने वाले दरिंदगियों के खिलाफ, और हमें तय करना पड़ेगा कि अविलंब फांसी की सजा। धन्यवाद, नमस्कार।